आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। दोस्तों, प्रभास की मूवी आदि पुरुष पर एक नया बड़ा अपडेट सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ इस मूवी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस फिल्म का नया अपडेट फिल्म की रिलीज डेट को लेकर है। दरअसल 12 जनवरी 2023 में इस फिल्म को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी जानकारी खुद फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। ओम राउत ने यह भी बताया है कि आदि पुरुष 2D 3D में रिलीज की जाएगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से बवाल देखने को मिला था। फिल्म के आदि पुरुष की काफ़ी आलोचना की गई थी, जिसके बाद फिल्म में बदलाव की मांग की गई थी। शायद यही कारण है कि फिल्म को जहां पहले 12 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाना था, तो वही अब मूवी 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में प्रभास भगवान राम के किरदार निभा रहे हैं, वही अभिनेत्री कृति सेनन सीता माता के रोल प्ले कर रही है। हनुमान के रोल में देवदत्त गजानन नागे दिखाई देंगे। इसके अलावा सैफ अली खान रावण का किरदार में होंगे, लेकिन फिल्म में सैफ अली खान के रावण वाले लुक को लेकर काफ़ी हंगामा भी मचा था। इतना ही नहीं, सैफ पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला था। लोगों ने एक्टर की तुलना अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी, तैमूर, जहांगीर जैसे मुगल शासकों से कर डाली थी। लोगों ने फिल्म के बायकॉट की मांग भी कर डाली थी। दोस्तों फिल्म में प्रभास का राम वाला लुक लोगों को रास नहीं आया था। साथ ही कुछ लोगों ने फिल्म के VFX का भी मजाक बनाया था। खबरों की माने तो फिल्म में बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रभास और सैफ के लुक में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ फिल्म के VFX पर भी काम किया जा रहा है। बता दें कि मूवी आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।